क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। 80 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए चर्चित थी। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा मिलके सुन जा। वो बेहद खूबसूरत और बोल्ड थी और उनका हर अंदाज निराला था। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर महज 17 साल की उम्र में फेमिना टीन प्रिंसेस ऑफ इंडिया का खिताब जीता और अरुबा में मिस टीनेज इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दिल में आग लगाए, सावन का महीना, नहीं जी। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पर हिंदी सिनेमा के एक सुपरस्टार की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा और इनकी वजह से ही उस स्टार की पत्नी घर छोड़कर चली गई। शायद मेरी शादी का हया दिल में आया है। क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने के बाद कई अभिनेताओं से इनके रिश्ते रहे और जितनी बार इनका दिल टूटा उतनी बार ये फिल्मों से ब्रेक लेकर पढ़ने का बहाना बनाकर विदेश भाग जाया करती थी। जीवन में जो मस्ती और क्या आप यकीन करेंगे कि 3 बार प्यार में धोखा खाने के बाद इन्हें अपना सच्चा हमसफर नसीब हुआ और 4 साल की तपस्या के बाद ये देश के सबसे अमीर परिवार की बहू बनी। मिल गई आज दम लहर कुछ इस तरह, मिल गई। तो कौन थी ये अदाकारा और कैसी रही इनकी जिंदगी जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रखिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 80 के दशक की जानी मानी अदाकारा टीना मुनीम के बारे में, जिनके अभिनय से ज्यादा चर्चित तो उनके अफेयर्स के रहे। आज हम इनके फिल्मी सफर और टीना मुनीम से टीना अंबानी बनने तक के सफर की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही बताएंगे इनसे जुड़ी ढेरों कंट्रोवर्सी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल मुनीम था और माँ का नाम मीनाक्षी था। ये 8 भाई बहन थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के MM पीपल स्कूल से की थी। साल 1975 में अपनी स्कूलिंग के दौरान ही इन्होंने फेमिना टीन प्रिंसेस ऑफ द इंडिया का खिताब जीता और फिर अरुबा में मिस टीनेज इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां ये दूसरी रनर अप हुए। इसके बाद इन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। अरुबा से लौटने के बाद न्यूज़पेपर्स में इनकी फोटो पर उस दौर के दिग्गज अभिनेता देव आनंद की नजर पड़ी और उन्होंने टीना को अपनी फिल्म देश परदेश में अपने ऑपोजिट मुख्य अभिनेत्री का ऑफर दे दिया, जो कि टीना के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि टीना ने एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया था, इसलिए देवानंद साहब ने ही उन्हें एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाई। साल 1978 में आई इस फिल्म ने रुपहले पर्दे पर धमाल कर दिया। कई हफ्तों तक सिनेमा में हाउसफुल रहे। इसके बाद टीना ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 में इनकी दूसरी प्रमुख फिल्म आई थी कर्ज, जिसमें इनके ऑपोजिट थे ऋषि कपूर। ये फिल्म भी हिट रही और टीना को एक नई अभिनेत्री की पहचान मिली। इसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें रॉकी, सौतन, पुकार, आखिर क्यों, भगवान दादा, जिगरवाला आदि खास रही। रानी, चेहरा नूरानी, मार गई मुझे तेरी चर्च।
वाली जवान। सौतन में इन्होंने एक घमंडी लड़की का किरदार निभाया था और इस किरदार में अपने अभिनय से जान डाल दी थी। और जब तुम किसी गैर औरत के साथ रात गुजाराए तो मेरे तन मन में कैसी आग लगी थी पता है तुम्हें? अपने फिल्मी करियर में इन्होंने सभी दिग्गज कलाकारों जैसे देव आनंद, संजीव कुमार, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त आदि के साथ काम किया। इनके प्रेम संबंध हो और शादी की बात करें तो टीना को दिवंगत वेटरन एक्टर देव आनंद की खोज माना जाता है। बताया जाता है कि पहली फिल्म देश परदेश के हिट होने के बाद देव आनंद की ज्यादातर फिल्मों की हीरोइन टीना मुने भी होती थी। फिल्म जगत के सभी इवेंट्स और पार्टियों में अक्सर देव आनंद और टीना साथ ही देखे जाते थे। एक इंटरव्यू में टीना ने कबूल भी किया था कि वो देव साहब से प्यार करती थी। उन दिनों देव और टीना की मोहब्बत के चर्चे खुलेआम थे, पर जानकारों का ये भी कहना है कि ये प्यार एक तरफा ही था। जब टीना ने अपने दिल की बात देव आनंद साहब को बताई तो वो इन्हें इग्नोर करने लगे और यहाँ तक कि इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। दूर नहीं रह सकती शाम, I love you। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। फिल्म एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टीना मुनीब तब देव आनंद के व्यवहार से काफी परेशान रहती थी। इसी बीच एक फिल्मी पार्टी में टीना की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त संजय दत्त से हुई, क्योंकि दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की थी, इसलिए दोनों में नजदीकियां बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। नजदीकियां मोहब्बत में बदल गई। अब इस रिश्ते की चर्चा आम थी और फिल्म मैगजीन की चटपटी कहानियां भी गढ़ी जाने लगी। बताया जाता है कि टीना संजय की इस हसीन जोड़ी को एक साथ देख सुनील दत्त ने इनको लेकर एक फिल्म बनाने की सोची। काम शुरू हुआ और फिल्म का नाम रखा गया रॉकी। ये फिल्म जब बनकर रिलीज हुई तो टीना और संजय दत्त को इतनी सफलता मिली कि लोग इनकी जोड़ी को हकीकत मानने लगे और उनके पोस्टर की डिमांड बढ़ गई। तब के फिल्मी खबरों के मुताबिक टीना संजय दत्त के प्यार में इस कदर पागल थी कि इन्होंने लव स्टोरी और एक दूजे के लिए जैसी फिल्में ठुकरा दी और वो संजय दत्त के साथ ही फिल्में करने की योजना बनाने लगी। वहीं संजय भी टीना को लेकर काफी पॉजिटिव थे। संजय ने स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं टीना को लेकर काफी पॉजिटिव था, वो सिर्फ मेरी थी, मैं नहीं चाहता था कि ऑन स्क्रीन वो खुद को एक्सपोज करे, मैं इमोशनली कमजोर पर्सन हूँ और मेरी माँ का मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग असर था। उनकी मौत के बाद टीना ने वो जगह ले ली थी। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये मजबूत रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों के भेंट चढ़ गया और दोनों अलग हो गए। I'm sorry. बेबी, जानकार बताते हैं कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते होने के बावजूद टीना इसलिए संजय से दूर हो गई क्योंकि संजय को ड्रग्स लेने की बुरी लत लग गई थी। एक बार टीना जब संजय के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वो नशे में चूर थे। ये देख वो स्तब्ध रह गई। टीना को ये नहीं पता था कि संजय ड्रग्स भी लेते हैं और यही वो पल था जब टीना ने संजय से अलग होने का फैसला ले लिया था। उनका ये फैसला संजय बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। यसीर उस्मान की किताब संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड लव स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में इस बात का जिक्र है कि जब टीना संजय को छोड़कर गई तो वो अपना आपा खो बैठे थे। इतना ही नहीं, नशे की हालत में हाथ में बंदूक लिए आधी रात को सड़क पर फायर करते हुए दौड़े थे। ये देख पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली थी। तो वही इस ब्रेकअप के बाद टीना भी बुरी तरह से टूट गई थी। जाने जाने दुनिया।
बाद टीना की जिंदगी में आए सुपरस्टार राजेश खन्ना। साल 1982 में आई फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ी थी और ब्रेकअप से बुरी तरह से टूटी हुई टीना को जब काका का मजबूत कंधा मिला तो टीना अपने आप को रोक नहीं पाई और उनकी तरफ खींचती चली गई, जबकि वो जानती थी कि राजेश खन्ना शादीशुदा और दो बच्चों के पिता है। फिल्म सौतन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इन दोनों का रोमांस भी परवान चढ़ने लगा। फिल्म जानकारों की माने तो टीना राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में सालों तक रही, फिर तो ये कपल सभी पार्टियों में एक साथ नजर आने लगे। टीना काका के प्यार में इस कदर पागल थी कि वो उम्र में खुद से 15 साल बड़े राजेश खन्ना से शादी के भी सपने सजाने लगे थे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो वो घर छोड़कर चली गई थी, जिसका असर उनकी बच्चियों की जिंदगी पर भी पड़ा और इसकी खूब आलोचना भी हुई। खैर, जिसने बीवी बच्चों की चिंता नहीं की वो भला गर्लफ्रेंड को कितने दिन खुश रख पाता, लेकिन टीना को ये बात समझने में काफी वक्त लग गया। बताते हैं कि जब राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते में दरार आई थी तो काका ने टीना मुनीम से वादा किया था कि वो डिंपल को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे। टीना इंतजार करती रही और समय बीतता रहा। वो जब भी काका से इसका जिक्र करती तो वो बात को टाल जाते। राजेश खन्ना ना तो डिंपल को तलाक दे रहे थे और ना ही टीना मुनीम को कुछ साफ बता रहे थे। आखिरकार थक हार कर टीना ने राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला लिया और फिर खुद को संभालने के लिए इस माहौल से दूर जाने की सोची। टीना तब आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। दो बार प्यार में धोखा खा चुकी टीना उदास रहने लगी थी, तभी उनकी जिंदगी में आए वो आशिक जो बाद में उनके हमसफर भी बने। जी हाँ, ये थे अनिल अंबानी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया का संगम हुआ। दरअसल साल 1983 में अनिल अंबानी अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहे थे। वो एक बार एक शादी के फंक्शन में गए थे जहां उन्होंने टीना को देखा। ब्लैक साड़ी में लिपटी ये हसीना पूरी शादी में सबसे अलग और बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। पूरी शादी भर अनिल टीना को ही देखते रहे और उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया, पर तब टीना ने कोई ध्यान नहीं दिया था। इसके कुछ दिनों बाद टीना और अनिल अमेरिका के फिलाडेल्फिया में मिले, जहां अनिल ने टीना से शहर घूमने के लिए कहा। पर अनिल एक सीधे साधे बिजनेसमैन और टीना एक बड़ी स्टार, तो टीना ने मना कर दिया। फिर साल 1986 में एक बार फिर टीना और अनिल एक और जगह टकराए। तब तक अनिल पता लगा चुके थे कि टीना भी गुजराती फैमिली से है और इन्हें गुजराती अच्छे से आती है, तो इस दौरान दोनों की बातचीत गुजराती भाषा में हुई। इस बातचीत से टीना ने जाना कि अनिल सादगी भरे साफ दिल इंसान है। उनकी यही सादगी टीना को पसंद आ गई और वो उनसे काफी इम्प्रेस हुए। जानकार बताते हैं कि इस मुलाकात के बाद से इन दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों मिलने लगे। इनका प्यार तो शुरू हो गया, लेकिन टीना के लिए अंबानी परिवार की बहू बनना आसान नहीं था, क्योंकि अंबानी परिवार का सोचना था कि इस बैकग्राउंड की लड़की फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इस कारण अनिल के परिवार वालों ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। तो अनिल भी घर वालों के खिलाफ जाकर टीना से शादी नहीं करना चाहते थे। अनिल ने जब ये बात टीना को बताई तो उन्हें गहरा धक्का लगा और वो इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए फिर अमेरिका चली गई। दोनों के बीच काफी वक्त तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पर साल 1989 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में जब बड़ा भूकंप आया तो उस वक्त टीना वही थी। अनिल ने किसी तरह उनका नंबर खोजा और टीना को फोन किया। फोन पर अनिल ने केवल टीना से इतना पूछा कि क्या तुम ठीक हो। टीना का जवाब मिलते ही कोई और बात किए बगैर
अनिल ने फोन काट दिया। अनिल के इस बर्ताव से टीना हैरान थी कि कोई ऐसा शख्स है जिसे उनकी इतनी चिंता है। टीना से भी रहा नहीं गया और दोनों की फिर बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान अंबानी परिवार में अनिल के लिए कई रिश्ते आए थे, पर अनिल किसी और लड़की से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। सभी रिश्ते के लिए मना करने के बाद अंबानी परिवार समझ चुका था कि अनिल सिर्फ टीना से ही शादी करना चाहते हैं। आखिरकार परिवार वालों ने टीना से शादी की रजामंदी दे दी। अनिल ने फिर टीना को अमेरिका फोन किया, उन्हें वापस बुलाया और अपने पेरेंट्स से मिलवाया। फिर दोनों परिवार आपस में मिले और साल 1991 में धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। इसके बाद टीना ने फिल्म छोड़ दी और खुशी खुशी अपने गृहस्थी में बिजी हो गए। टीना और अनिल तब से साथ है और खुशहाल जीवन बिता रहे है। इन दोनों के दो बेटे है, जय अनमोल और जय अंशुल। टीना अंबानी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत एक्टिव रहती है। अंबानी परिवार की छोटी बहू बनी टीना अंबानी की गिनती उन हस्तियों में होती है जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। टीना 65 साल की हो चुकी है और काफी एक्टिव रहती है। उन्हें आर्ट और कल्चर का काफी शौक है। इसके अलावा वो कोकिला बेन अस्पताल भी चलाती है। उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा इस उत्साह से अपने काम को अंजाम देती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी टीना मुनीम से टीना अंबानी बनने की कहानी। आपका टीना अंबानी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी ही कुछ और सुनी अनसुनी किस्सों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।